हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुक वॉर्म्स ऑफ एसएससी। स्टूडेंट्स इन टुडेज़ वीडियो वी आर डिस्कसिंग एएसएम साइक्रोमेट्रिक टेस्ट रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस गुड अटेम्प्ट इन एएसएम साइक्रोमेट्रिक टेस्ट। स्टूडेंट्स एएसएम साइक्रोमेट्रिक टेस्ट में जो पहला सेक्शन था वो था इंटेलिजेंस टेस्ट, या फिर इसे क्लासिफिकेशन टेस्ट भी कहा जाता है। इसके अंदर जो गुड अटेम्प्ट है वो 28-30 है, बिकॉज कुछ क्वेश्चन थे जो डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हाई था। That's why we put it in moderate to difficult. After that, selective attention test, total 30 questions थे इसके अंदर और जो good attempt है वो 23-26 है। इसके बाद अगर questions की बात करें तो questions वैसे तो easy to moderate थे, लेकिन time consuming थे, calculative थे। That's why 23-26 का margin रखा है हमने इसमें good attempts का। After that, short route test बहुत ही ज़्यादा easy आए थे और कई स्टूडेंट्स के तो 2-3 मिनट पहले ही शॉर्ट रूट खत्म हो चुके थे क्वेश्चंस। सो इसमें कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी, तो 35-37 गुड अटेम्प्ट माना गया है इसके अंदर 40 क्वेश्चंस में से, बिकॉज बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे और डायरेक्ट आंसर्स थे, कोई भी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे। जो कि पहले बताए जा रहे थे कि शॉर्ट रूट टेस्ट में क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल के होंगे और रूट फाइंड करना डिफिकल्ट होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे रूट टेस्ट में और इसके जो कट ऑफ है काफ़ी हाई जाएगी। दैट्स वाई वी पुट इट इन ईजी कैटेगरी। इसके बाद हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग की। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग सेम पैटर्न था जो आरआरबी ने डेमो में यूज़ किया था, उन्होंने इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग का ग्रिड्स का, और सेम वैल्यू थी और तो आप सब सभी ने उसी के ऊपर क्वेश्चंस किए थे। सो काफ़ी ईजी माना गया है इसको, बिकॉज क्वेश्चन भी बहुत ईजी थे, तीन ही ग्रिड खाली थी। सो बहुत ही ईजी वे में इसको देखा जाए तो 22-24 सब ने अटेम्प्ट किया है, मैक्सिमम सब ने इसमें 25 और शॉर्ट रूट टेस्ट में 40 अटेम्प्ट किए हुए हैं, जैसा मुझे रिव्यू मिला है अपने स्टूडेंट्स का। और इन दोनों सेक्शंस को, शॉर्ट रूट टेस्ट और इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग को, मैक्सिमम बच्चों ने पूरा अटेम्प्ट किया है, तो इसमें कट ऑफ काफ़ी हाई जा सकती है। जबकि अगर हम बात करते हैं सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट और क्लासिफिकेशन टेस्ट, क्लासिफिकेशन टेस्ट के अंदर बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो घटेंगे, बिकॉज क्लासिफिकेशन टेस्ट के अंदर जो लॉजिक होता है आरआरबी का वो डिफरेंट हो सकता है और आपका लॉजिक डिफरेंट हो सकता है। रीजनिंग के अंदर बहुत सारे लॉजिक एक सेम क्वेश्चन में लगते हैं, सो इसकी कट ऑफ थोड़ी लो जा सकती है एज कम्पेयर टू अदर सेक्शंस। सो अगर आपने इसमें अटैम्प्ट थोड़े कम भी किए हैं, अगर आपके अटैम्प्ट 25 या 24 भी हैं, सो भी आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट की। सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में स्टूडेंट्स मैक्सिमम गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपने 25 भी अटेम्प्ट किए हैं या 23 भी अटेम्प्ट किए हैं तो भी आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो इसमें आप आराम से क्लियर कर जाएंगे, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसमें 25 या 24 ही अटेम्प्ट किए हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने मेन सेक्शन पर्सनैलिटी टेस्ट में। स्टूडेंट पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर मैं बता दूँ आपको, जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे वो 35 करने थे और इसमें आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर देना था, इसमें क्वेश्चंस छोड़ना नहीं था। कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या इसके अंदर अगर हमने क्वेश्चन छोड़ दिया तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, डिस्क्वालीफाई आप नहीं होंगे। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, हर एक क्वेश्चन से पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट जुड़ा होता है आरआरबी, जिससे जज करती है आपकी पर्सनैलिटी को। सो अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो वो एट्रीब्यूट आरआरबी को पता नहीं चल पाएगा और उसकी वजह से आपके मार्क्स के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। दैट्स वाई आरआरबी हैज़ क्लियरली मेंशन्ड दैट आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, उसने पहले इंस्ट्रक्शंस में लिख रखा था कि आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर करने हैं और कोशिश कीजिएगा कि जो मिडल वे है उसको ना लिया जाए, बिकॉज मिडल वे लेने से आपके आंसर्स क्लियर नहीं हो पाएंगे कि आप उस चीज़ के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। सो दैट्स वाई आरआरबी हैज़ सेड टू गिव एग्जैक्ट आंसर यस और नो। सो इसको हमने मॉडरेट लेवल पे रखा है, बिकॉज क्वेश्चन के लेवल मॉडरेट था और जो क्वेश्चन थे वो लिंकअप थे, मतलब एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन लिंकअप थे। सो दैट्स वाई दो एट्रीब्यूट होते हैं इसके अंदर, जिस आपकी दो डायमेंशन को जज किया जाएगा और आपको दोनों में पास होना है इसके अंदर। जो 42 इसमें बेसिक स्कोर है इससे आपको ज़्यादा लाना था। सो इन सारे सेक्शंस, इन फोर सेक्शंस में तो सारे बच्चे आराम से क्लियर हो जाएंगे, बट पर्सनैलिटी टेस्ट ही मेन है। स्टूडेंट्स मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगा कि फाइनल एसएम की कट ऑफ कितनी जा सकती है और गुड्स गार्ड कितने में मिल सकता है। सो फॉर देन इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गुड बाय गुड लक।